नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, एक्सप्लोर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं सम्राट उपाध्याय। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक कमाल की मशीन यहां पर पार्क की गई है जिसका नाम है होंडा एलिवेट, न्यू लॉन्चिंग है और इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए मौजूद है हमारे साथ ओजस्वी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सप्लोर वर्ल्ड में। सर ये कब लॉन्च हुई? ये 4 तारीख को लॉन्च हुई है और इसकी डिलीवरी 4 तारीख से शुरू हो गई है। फर्स्ट डे पे हम लोग ने 5 गाड़ी डिलीवर की है और अभी लगातार हो ही रही है, कंटिन्यू है। जी जी। इस गाड़ी की खासियत क्या है कि एसयूवी सेगमेंट में बहुत सारे कंपटीटर हैं, आपको भी पता होगा एसयूवी में, लेकिन ये मशीन जो है काफ़ी यूनिक दिख रही है। आप देखेंगे तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 220 है, अपने सेगमेंट की बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस है 220 mm। अभी इस सेगमेंट में इतना बोल्ड और मस्कुलर डिज़ाइन किसी और दूसरी गाड़ी का नहीं है। ओके। और क्योंकि होंडा के चेसिस, सिटी के चेसिस पर ये डिज़ाइन की हुई है, तो जो होंडा का ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी और रिलायबिलिटी, वो तीनों इस गाड़ी में मिलेगा आपको। तो अगर ये खरीदना है तो आंख बंद करके आप होंडा पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप होंडा ब्रांड ले रहे हैं। बिल्कुल। इसकी मशीन काफ़ी पावरफुल होती है, लग्जरी तो है ही, साथ साथ हम मशीन का इंटीरियर भी देखेंगे तो काफ़ी रिफाइन आपको इंजन मिलेगा। कैबिन नॉइज है ही नहीं और इसका लुक तो बहुत कमाल का है, आप देखेंगे बैचिंग आपको फ्रंट पर मिलेगी। सर इसमें कितने मॉडल हैं? इसमें टोटल 4 मॉडल आ रहे हैं। हाँ, 10,99,000 से आपका एक शोरूम शुरू हो जा रहा है। जी। और लास्ट क्या है जो टॉप मॉडल है? 16 लाख इसका लास्ट टॉप मॉडल का, यानी कि आपका 10.5 से स्टार्टिंग है और ये 16-17 लाख तक जाएगी। जी। एसयूवी सेगमेंट में आपको अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन आपके पास बहुत कम है और होंडा जो है काफ़ी स्टेबल कंपनी है, एक लंबे टाइम से आ रही है, इसकी जो ब्रांड है होंडा सिटी अभी तक आउटडेटेड नहीं है। बिल्कुल, ये तो हमेशा होंडा सिटी और उसी प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी बनी हुई है। अच्छा, तो आप इस पर इतना ही ट्रस्ट कर सकते हैं जितना आप होंडा सिटी पे ट्रस्ट करते हैं। एक कैबिन के अंदर आते हैं। सर एक मिनट आइए। आ गई क्या? जी मैम, बस एक सेकंड चलो और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका जो, सर बैठिए ना एक मिनट। ये देखिए काफ़ी लग्जरी है, कंफर्टेबल है। सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां हैं। जी, होंडा की अभी न्यू लॉन्च है। जी, बहुत सारे लोग इस कारण से भी डरते हैं कि थोड़ी गाड़ी में तो इंजन बहुत रिफाइन है, बिल्कुल लग्जरी है, मशीन अच्छा है, बिल्कुल, तो थोड़ा मेंटेनेंस जो चाहिए ही चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि होंडा जैसा जीरो मेंटेनेंस कार दूसरा कोई भी नहीं है। अच्छा। और एक से जो होंडा का सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो अपने ब्रोशर पे लिख के भेजती है कि एक पेड सर्विस में आपको कितना खर्च आना है। 4,500 रुपये इसके आपको पर सर्विस में एक साल में इसका खर्च आना है। अच्छा। 3 ईयर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी बाय डिफॉल्ट है और होंडा एक लौती कंपनी है जिसको अपने इंजन पर इतना भरोसा कि अप टू 10 ईयर तक आप वारंटी ले सकते हैं होंडा में। क्या बात है, क्या बात है। तो जो भी लोग ऐसा समझते हैं कि होंडा रिलायबल नहीं है या फिर मेंटेनेंस ज़्यादा है, तो आपने सुना जो चीज़ों को लेकर और इसके ब्रोशर पे भी लिखा हुआ, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसमें सनरूफ किस मॉडल से स्टार्ट हो जाता है? टॉप और टॉप के एक नीचे दोनों में आपको सनरूफ मिल जाता है। इसमें सेकंड टॉप से आपका सनरूफ स्टार्ट हो जाता है। जी जी जी। और सर इसको पॉज करिए, इसमें जो रियर एसी वेंट है जी, बेस मॉडल में मिलता है क्या? जी बिल्कुल मिलता है। बेस मॉडल में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? डुअल एयरबैग, ABS, CVD, पुश बटन स्टार्ट, LED लाइट, सब बेस मॉडल से ही शुरू हो जाता है। शुरू से 16 इंच का टायर, सारा कुछ, मतलब 16 इंच के टायर, इतना ग्राउंड क्लियरेंस और इंजन तो सेम होगा ही होगा। और आपको सबसे अच्छी बात यह है कि 2 एयरबैग के साथ भी गाड़ी आ रही है। जी, कोई इंजन का चेंजेस नहीं है, सेम होता है। बाकी कंपनी में होता है कि नीचे वाले मॉडल में छोटा इंजन देना, बड़े ऊपर वाले मॉडल में, राइवल ही में देखिएगा, अगर आप क्रेटा में जाइएगा तो नीचे वाले में आपको 1.5 लीटर मिलेगा, ऊपर वाले में 1.6 मिलेगा, वो होंडा भेदभाव नहीं करता है। 1.5 लीटर 121 PS का पावर आउटपुट शुरू के मॉडल से ही है। आपको हुंडई क्रेटा, ये सब 3 स्टार है। सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग अभी कौन सा मार्केट है इस मॉडल अभी एलिवेट में? VX और ZX सबसे ज्यादा निकल रहा है, सबसे ज्यादा निकल रहा है। अगर कोई अगर बिहार से है गाड़ी लेना चाहता हो तो उसके लिए जो किससे कनेक्ट हो? जी, डिस्क्रिप्शन में आपका एड्रेस क्या होगा ये एक बार? ये जो हमारा शोरूम है ये वैशाली होंडा है, नॉर्थ एस के पुरी, अपोजिट AN कॉलेज, पटना 8,13। बिल्कुल। और सर का नंबर मैं डाल दूंगा, किसी भी तरह की क्वायरी हो तो ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। बिल्कुल। आपको अगर कोई आपसे परचेज करता है जी, किस तरह की सुविधा आप प्रोवाइड कराएंगे सर?
सुविधा जैसे मतलब बैंक फाइनेंस से लेके हर सारा कुछ अवेलेबल है। और क्योंकि अभी इस नया प्रोडक्ट इस पे कोई होंडा की तरफ से डिस्काउंट नहीं है, पर अगर क्योंकि अगर आपके कोई सब्सक्राइबर या आपका चैनल के थ्रू आते हैं तो उनको हमारे एंड से कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिलेगा। बिल्कुल, अगर आप मेरे थ्रू आते हैं या मेरे रेफरेंस से भी आते हैं, आपका नाम लेंगे, बिल्कुल, तो आपको बेहतरीन जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे भी सभी के लिए सर्विस अच्छी मिलेगी, आप एडिशनल क्योंकि होंडा की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है इसमें, पर फिर भी डीलर अपने एंड से कस्टमर को कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देगा, बिल्कुल देगा। और सर और भी चीजें मैं कुछ कुछ जानना चाहूंगा जी, होंडा में सबसे ज्यादा जो आपकी सेलिंग कार है जी वो कौन सी है? अमेज और सिटी है, और अब ये भी हो जाएगी। ओके, अभी क्या होंडा कुछ छोटी गाड़ी के प्लान कर रही है? नहीं, पर 2030 तक होंडा 5 और SUV ले आएगी। ओ माय गॉड, 5 SUV? हाँ, होंडा के पाइपलाइन में 2030 तक होंडा 5 और SUV ले आएगी। होपफुली फ्यूचर में इसका हाइब्रिड, जिस गाड़ी में हम लोग बैठे हैं एलिवेट, इसका हाइब्रिड भी आ जाएगा। और ये होंडा की पहली गाड़ी है जो यहाँ से बन के इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होगी। कमाल है। एक और चीज़ होंडा की मुझे सर खास लगती है जी, बाकी सब ब्रांड जो है आउटडेट हो जाते हैं उसके गाड़ियाँ, लेकिन अभी तक ना होंडा अमेज आउटडेटेड हुई, बिल्कुल, और ना इसकी जो होंडा सिटी है वो डिसकंटिन्यू हुई। वो तो अपग्रेड जरूर होती है, बिल्कुल अपग्रेड होती है, क्योंकि हर 3-5 साल में क्योंकि टेक्नोलॉजी को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए, पर हम अपनी गाड़ियाँ ये नहीं करते, बंद नहीं करेंगे। क्या बात जी, आपने सब कुछ आपके सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल गए होंगे, क्यों गाड़ी लेनी चाहिए। गाड़ी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एक बार सर फिर से बता दिया जाए, कितने सीसी गाड़ी है? 1500 सीसी की गाड़ी है। कितने सिलेंडर इंजन लगे हुए? 4 सिलेंडर इंजन है और 121 PS का पावर आउटपुट है। और जिन लोग को लगता है कि नई गाड़ी है इंजन, तो ये इसमें वही होंडा सिटी का इंजन लगा हुआ जो 20 साल से ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, और कोई भी मैन्युफैक्चरर आज तक 1500 सीसी का इतना सक्सेसफुल इंजन नहीं निकाल पाया है, कोई भी मैन्युफैक्चरर। आप जानते हैं होंडा वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंजन मैन्युफैक्चरर है, बाइक से लेके जेट से लेकर, अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो सबसे स्मार्ट रोबोट वो भी होंडा का है, असीमो जेट बनाती है, होंडा रेसिंग कार बनाती है, सबसे ज़्यादा अगर जनरेटर कोई बिकता है तो वो होंडा का जनरेटर बिकता है, पानी पटाने वाला जो गोटा होता है होंडा की, मतलब एक बार उसको मैं फ्यूल डाले पूरा 1 बीघा पानी पटा दिया। तो टेक्नोलॉजी में आपको कहीं नहीं सोचना है, होंडा सिटी के चेसिस पे प्लेटफॉर्म पे ये बनी हुई गाड़ी है, 5-star सेफ्टी रेटिंग है। और आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी, किसी तरह की और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेट होता रहता है कभी कभी शोरूम का प्राइस, बिल्कुल अप एंड डाउन होते बिल्कुल, रहते बिल्कुल, हैं, मंथ वाइज आपका अपडेट होता है, हर मंथ नया प्राइस आता है, बिल्कुल, तो आप सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में आपने डाल दिया, बिल्कुल बिल्कुल आपको मिल जाएगा, किसी तरह की क्वारी हो तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर शोरूम आते हैं तो डायरेक्ट अपना नाम एक बार बता दीजिए सर। ओजस्वी नाम हुआ मेरा, ओजस्वी सर से आप बार मिलिएगा, पटना एन कॉलेज के अपोजिट में शोरूम है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और बेहतरीन आपको सर्विस मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से और सर के भी माध्यम से। तो अगर कोई क्वारी हो किसी तरह का तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, आशा करेंगे कि आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। अभी आप देख रहे थे सम्राट उपाध्याय को फोर वर्ल्ड में।